इस वक्त हम मौजूद है जुनूबी कश्मीर के सबसे बड़े वेटलैंड पे, और ये वेटलैंड जो है जिला पुलवामा के पांपोर इलाके में वाका है। इस वेटलैंड का नाम छतलम है, और जब छतलम की हम बात करते हैं तो छतलम के दिलकश और खूबसूरत नजारे जो है उस वक्त बेहतर होते हैं जब माइग्रेटरी बर्ड्स मुख्तलिफ कंट्रीज से यहाँ पर आते हैं। तो करीबन हर साल 1 लाख के करीब माइग्रेटरी बर्ड्स यूरोप, सेंट्रल एशिया और साइबेरिया से जो है यहाँ पर आकर हर महीने के लिए रहते। 25 नवंबर से इनका अराइवल जो है वो स्टार्ट होता है, और करीबन मार्च के महीने में फिर से ये जो माइग्रेटरी बर्ड्स से अपने अपने स्थानों की ओर चले जाते हैं। यहाँ के लोकल्स का ये कहना है कि इस झील को डेवलप किया जाना चाहिए और इस झील को जो है इको टूरिज्म के लिए प्रमोट किया जाना चाहिए, क्योंकि बड़े ही दिलकश और खूबसूरत नजारे इस झील के तब होते हैं जब माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ पर पहुंचते हैं। तो उनका यही कहना है कि इस झील की ओर तवज्जो दी जाए ताकि ये झील डेवलप हो और यहाँ पर सयाह आए, और उसके साथ साथ यहाँ के जो लोकल्स है ओ इस झील से जो है अपनी रोजी रोटी कमा सके। केसर टीवी के लिए जिला पुलवामा से मैं मीर बुरहान। अगर हम इस खूबसूरत झील की बात करें, क्योंकि अगर साउथ कश्मीर की बात करें तो साउथ कश्मीर में सबसे बड़ा झील जो है यही है, और आप देख भी सकते हैं कि यह झील काफी खूबसूरत है, और इसकी खूबसूरती को मजीद फाल बनाने के लिए यहाँ लाखों की तादाद में माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं। वो बहुत मुख्तलिफ स्पीशीज आती है, साइबेरियन बर्ड्स आते हैं, और आप देख सकते हैं लाखों की तादाद में यहाँ हर साल विंटर्स में जो है माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, और जो भी देखने वाला यहाँ आता है काफी उसका दिल काफी खुश होता है। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि इस झील की तरफ कोई तवज्जो मरकूज नहीं की गई है, इस झील को बिल्कुल खस्ताहाल छोड़ा गया है। अगर इस झील को कम से कम टूरिज्म के साथ नहीं, लेकिन अगर इको टूरिज्म के साथ इसको जोड़ा जाता तो यहाँ के कितने नौजवान है, कम से कम मेरे ख्याल से हजारों की तादाद में नौजवानों को जो है रोजगार मिल सकता था, और उसका शेयर जो है उसका जो फायदा है वो गवर्नमेंट को भी मिल सकता था। तो यहाँ के लोगों की जो डिमांड है, खासकर हमारी जो मैं छतलम का रहने वाला हूँ, हमारी यही डिमांड है कि इस झील को इको टूरिज्म के साथ जोड़ा जाए ताकि यहाँ के नौजवानों के लिए रोजगार के वसाइल पैदा हो जाए। ये बात कई बार इंतजाम के अफसरों के जो नोटिस में लाया है, लेकिन इसको बिल्कुल जो हम ये कह सकते हैं कि कागजी घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं, बिल्कुल इसका बारे में बात की जा रहा है, इसको ग्लोरीफाई किया जाएगा, इसको डेवलप किया जाएगा, लेकिन आप इसकी खस्ताहाली, ये खुद अपनी खस्ताहाली बयान कर रहा है। ये वाइल्ड लाइफ वालों ने भी बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि ये जो इसमें जानवर आते हैं, वाइल्ड लाइफ वालों ने इसमें काफी ये उनकी ही काविशों का नतीजा है। वो बेचारे यहाँ रहते हैं, हमेशा दिन रात रहते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट भी इसकी तरफ कोई थोड़ा सा तवज्जो दे ताकि इसको ग्लोरीफाई किया जाए, इसकी ब्यूटिफिकेशन को बढ़ाया जाए। देखिए, बिल्कुल यहाँ के आवाम की भी जिम्मेदारी है कि वो इस झील को जो है इसका तहफ्फुज़ करे, और आप देख सकते हैं कि शायद ही आप किसी भी झील में जो जानवर है इतने नज़दीक देख पाएंगे, क्योंकि मैं फिर से ये बोल रहा हूँ कि वाइल्ड लाइफ जो महकमा है वो यहाँ पे काफी मशक्कत कर रहे हैं, तभी ये जो आपको लगेगा नहीं कि ये जो है साइबेरियन बर्ड्स है, आपको लगेगा कि ये डोमेस्टिक बर्ड्स है क्योंकि इतने करीब होते हैं। छतलम चीज है जनाब, तो प्राइस जो छोटो
Thank you.